हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MVA कुकिंग किचन एंड होम टिप्स। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका ये कितना दानेदार है और कितना हाथ में एकदम से घी आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है, टेस्ट में भी परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं सूजी के हलवे के साथ, जिसके लिए हमें चाहिए सूजी, चीनी, घी, कुछ ड्राई फ्रूट, एक इलायची, केसर, येलो कलर और पानी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, सबसे ख़ास बात, मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। जितनी भी आप सूजी लें उससे डबल आपकी चीनी डलेगी, जितनी सूजी है उतना आपका घी डलेगा, और जितनी सूजी है उससे चार गुना आपका पानी डलेगा चाशनी के लिए। ये सबसे ख़ास मेजरमेंट है। लेकिन आजकल सब लोग मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं, तो चीनी को आप डेढ़ गुना कर दें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हलवा बना रहे हैं किसी फंक्शन के लिए, जैसे आधा किलो सूजी का आप बना रहे हैं, तो उस में आप 1 किलो ही चीनी डालें, जिससे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लेकिन उसको घर में ना तोलें, या तो आप परफेक्टली उसको अच्छे से तोल के यूज़ करें कि आधा किलो सूजी हो और 1 किलो चीनी हो। अगर आप कटोरी से आप नाप रहे हैं तो सूजी लाइट वेट होती है और चीनी जो है हमारी हैवी होती है सूजी के अकॉर्डिंग। तो आप इसको या तो बाहर से तुलवा के लाएं, 1 किलो का ये और आधा किलो का पैकेट सूजी का, तब आपका परफेक्ट बनेगा। और आधा किलो ही आपका घी ये नपवा के लेके आएँ, जिससे थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं हो सकती बिल्कुल भी, अगर आप ये 3-4 चीज़ें फॉलो करते हैं तो। तो शुरू करते हैं। मैंने एक छोटी कटोरी की सूजी ली है, जिसमें मुश्किल से 3-3.5 चम्मच सूजी आई है मेरी, और ये 3 से 4 लोगों के लिए बहुत होगा हलवा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी के लिए तैयार कर लेते हैं। अगर आप कम हलवा बना रहे हैं घर में, तो आप जिस कटोरी से आपने नापी थी सूजी, उसी कटोरी से आप अपनी चीनी को नापें। ऐसे एक कटोरी हो गई, तो मैंने आपको डबल बोली है, लेकिन चीनी सूजी से हैवी होती है तो हम कम ही लेके चलेंगे और कम भी खाते हैं घर में। तो थोड़ा मैं सिर्फ 1.5 से भी कम मैंने कटोरी का ये शुगर लिया। पानी में हम हमेशा बिल्कुल बराबर नापेंगे, तो इसके लिए मैं पूरे 4 कटोरी पानी लूंगी। 2, 3 और ये 4। इसमें एक इलायची डालेंगे, इसको आधा तोड़ लीजिए और बीच में डाल दीजिए। अब ये येलो कलर है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप बच्चों के लिए खाना हलवा बना रहे हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, येलो कलर आ जाएगा हमारा। आप इसमें केसर ऐड कीजिए। इस केसर को आप हलवे में भी डाल सकते हैं और पानी में भी। अगर आप कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें चाशनी में डालिए कलर को। अगर आप केसर यूज़ कर रहे हैं तो केसर को आप हमेशा सूजी में डालेंगे। मैं इसको उबलने रख देती हूँ एक साइड में। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। मैं अभी थोड़ा सा अंदाजे से ही घी डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत कम हलवा है, मुश्किल से 3.5 चम्मच के आसपास। जब भी आप घी को नापें तो उसको पिघला के नापें, कि पिघलने के बाद ये 3.5 चम्मच हो रहा है तो हमारे लिए बहुत है। इसको पिघलने देते हैं। फ्लेम हमेशा अपना लो ही रखें, बहुत ज़्यादा तेज आंच पे कुछ भी ना बनाएं हलवा और या कुछ भी। ये पिघलने ही वाला है, इसमें हम अपनी सूजी डालेंगे। इसको हमेशा आपने लो फ्लेम पे भुनना है, चाहे टाइम कितना भी लगे, नहीं तो ये दानेदार नहीं बनेगा। और इसको भूरा होने तक भूनते रहें। सूजी को कभी भी काला ना होने दें और ना ही डार्क ब्राउन,
ये कुछ सेकंड्स का ही खेल है। जब आपकी सूजी आधी भुन जाए तो इसमें थोड़े से केसर के तार डाल दें, बस इतने। पानी में डाल सकते हैं लेकिन हम पानी को छानेंगे तो इसलिए मैं केसर उसमें नहीं डालती। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है अगर आप केसर वाला हलवा बच्चों को बनाकर दे रहे हैं। मुझे घी इसमें जरा सा कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। मेरी जैसी माएं बच्चों को ज्यादा घी खिलाना चाहती हैं। आप इसको लें और ऐसे छोड़ दें तो ये यहाँ चिपकेगी नहीं और ये बहुत स्मूथली चली जाएगी। घी अलग हो जाएगा आपका, ये देखिए घी अलग हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, और सूजी अलग, ये परफेक्टली भुन गई है। हमारी चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। इसको ज़्यादा ना पकाएं, बस इतना हमें काफ़ी है। इस चाशनी को हमेशा छन्नी से छान के ही डालें और कोशिश करें स्टील की छानी यूज़ करें, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं। अब आप इस गैस को जला सकते हैं और अब इसको हम लगातार भूनेंगे। ये बिल्कुल पतले सीरे जैसा हो जाएगा, डरे नहीं। लो फ्लेम पे इसको पकाएं लगातार, बीच बीच में फ्लेम को हाई कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि इस हलवे को आप एक हफ्ते तक रख सकते हैं। एक हफ्ते बाद भी आप इसे गर्म करेंगे, ये उतना ही सॉफ्ट, उतना ही टेक्सचर के साथ आपको मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं अच्छे से। केसर ने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है, आप देख रहे होंगे इस हलवे का रंग येलो में आ गया है और आप दाना भी देख सकते हैं सूजी का, कितने दानेदार सूजी है अभी हमारी। अब ये काफ़ी सूखना शुरू हो गया तो अब अपना लो फ्लेम कर देंगे। इसके बाद हम लोग फ्लेम को हाई एक बार भी नहीं करेंगे और ये तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। अभी आप देख रहे हैं किसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस टाइम पे किशमिश डाल दें, किशमिश को हमेशा धो के डालें, ऐसे ही बाजार से लाकर ना डालें। और बाकी ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें जो आपको पसंद हो, जो भी आप डालना चाहते हैं, बादाम, काजू, और इसको मिक्स कर दें। अब यहाँ गैस बंद करते हैं। आप एक कोई भी चम्मच लें, उसको हलवे को लें और ऐसे देखें, मतलब इसने पूरे चम्मच को छोड़ दिया तो ये पक गया है। इसको प्लेट में डालें, इसको प्लास्टिक में सर्व ना करें या स्टील की प्लेट में ही बच्चों को दें। और इसको जो भी बच्चा ड्राई फ्रूट खाता है या फैमिली जो भी खाती है ड्राई फ्रूट, वही डालें ताकि सब खा लें। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।